हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आज के वक्त में भारत में लोगों में स्कूटर का क्रेज बढ़ता जा रहा है, साथ ही भारत में होते प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनियां नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही हैं। इस सब को देखते हुए लोहिया मोटर्स नाम की एक कंपनी ने अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में लॉन्च किया है। आइए जानें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में खास बातें। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड तक जा सकता है। इसमें 280 वॉट का इंजन दिया गया है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ड्रम ब्रेक वाला और एक डिस्क ब्रेक वाला। अगर आप इस स्कूटर को पूरी तरह से चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें 7 घंटे का समय लगता है, मगर यह एक बार फुल चार्ज होने के बाद 70 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और इस स्कूटर खरीदने के लिए आप किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे अपने नजदीकी ऑटोमोबाइल निर्माता से खरीद सकते हैं। आपको बता दें, इस स्कूटर कीमत 25,000 रुपये रखी गई है।